नंबर चार में ना मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, याद है कौन कौन से, उन्हीं का प्रयोग करना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब, बताया था ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी और प्लस में थ्री ए बी स्क्वायर। बोला था कि इसका एक और फॉर्मूला हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में थ्री ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। उसी तरह माइनस वाला भी बताया है मैंने, ए माइनस बी का होल क्यूब, तो बताया है ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस का थ्री ए बी स्क्वायर। इसी तरह यहां भी कॉमन कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को, इस पे गुणनखंड ज्ञात करना है। ए नंबर देखो दिया है 27 एक्स का क्यूब प्लस 108 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 144 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 64 वाई क्यूब, यही ना है आपका क्वेश्चन। तो यहां भी पहले देखना चाहिए आपको कि सब में से कुछ कॉमन तो नहीं है ना, हर एक में से कुछ कॉमन तो नहीं है ना, तो नहीं है। चलिए नहीं है तो नहीं है, तो अब इसमें आपको ढूंढना होगा कि कौन क्यूब वाला है। तो देखो यहां पे 27x का क्यूब दिया है ना, तो इसे हम लोग 3x क्यूब लिख सकते हैं, है ना, 3x का होल क्यूब लिख सकते हैं ना जी, बिल्कुल। और यहां पे 64y क्यूब दिया है, बाकी ये दोनों स्क्वायर नहीं है, ये तो स्क्वायर है, क्यूब किसी का नहीं है, यह भी क्यूब किसी का नहीं है। तो इसे मैं यहां पर 64 को 4y का होल क्यूब कर सकते हैं ना, तो यह हो गया a और यह हो गया b, तो a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, इस फॉर्म में तोड़ना होगा। तो प्लस 3a स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर 3x का स्क्वायर और b यानी कि 4y। आप देख लो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27 है, 27 चौका 108 आ जाएगा ना, 108 x स्क्वायर y प्लस 3ab स्क्वायर, तो a की जगह पे यहां पे 3x और b की जगह पे आ जाएगा 4y का स्क्वायर 3ab स्क्वायर। तो देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर के फॉर्म पे आ गया। किसका फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल क्यूब, तो a की जगह पे है यहाँ पे 3x और b की जगह पे है 4y का होल क्यूब। तो इसी को अब तीन बार लिख देंगे, 3x प्लस 4y इंटू में 3x प्लस 4y इंटू में 3x प्लस 4y, समझ में आया, ये आपका आंसर हो गया। चलते अगले क्वेश्चन पे, चलो 4 का बी।